रही हो, गुड आफ्टरनून। और अभी अमन जाधन फिलहाल तो अभी रायपुर पहुँचे हैं। सस्पेंस है ना, आप मन के लिए सरप्राइज है। जाथन बस जा। अभी पहुँचे नहीं है ना, अभी रास्ता में फिलहाल तो रायपुर पहुँचे हैं। अभी मत बताना, तू भी मत बताना है ना। और पीछे अमन इतना जन बैठे, मम्मी पापा हूँ मैं, और आगे बैठे है देखो धर्मेंद्र और बाबू। और बाबू ये देखो, बाबू दिख गई। और हस्बैंड जी ड्राइव करा थे ना। और आज बाबू इतना सारा खा है नौकरिया। एक मिनट दिखाता हूँ अपना बाबू। नहीं बताना है, बताना सामने की ओर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आप लोग के लिए सरप्राइज है। बाबू सुन ना, तेरे लिए सरप्राइज है, ठीक है। वही सारी बताओ। मेरे मुझको मेरे बर्थडे में गिफ्ट मिलने वाला है और तेरे लिए सरप्राइज है, ठीक है। आगे बताएंगे। हाँ अभी रायपुर में है, ठीक है। कौन सा फोन है? सोमवारी हो फाइनली हमारा जेकर इंतजार ही से बोली आ चुके हैं। 16 प्रो मैक्स आईफोन मिल चुके हैं। यहाँ पर बाबू आईफोन 16 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग करा थे। दोनों को वैसे मोबाइल निकल के कितने की हो रहा है। अब सीधा कर ले, बॉक्स को सीधा कर, नीचे रख, नीचे रख दे बेटा, नीचे रख दे। अब ऊपर वस्तु उठा। बाबू इधर कर दो ऐसे। ये दिखा, ये नीचे छोड़ना नहीं, नीचे को छोड़ना नहीं, नीचे से उठा। निकाल दे बेटा। सीधा कर, सीधा सीधा सीधा। अच्छा अब ना उसके ऊपर वाला व्हाइट कूपन निकाल। नीचे मदर, नीचे मदर, नीचे मदर। मंदिर में पूजा करल गया ना, 200 फूल मिली।
संगवारी हो फाइनली आईफोन 16 प्रो मैक्स ले चुके हैं हमारा वही में वीडियो शूट होते अभी। तो आप मन बताना पहले की क्वालिटी है वो अब के आईफोन की क्वालिटी आप मन कैसे लगाते ला और खुशी इतना ज़्यादा होते और पहले के साथ बहुत अच्छा लगाते थे ना भी अब ज़्यादा सुंदर दिखा तो वो ना नहीं हम तो सुंदर नहीं है तो संगवारी हो मैं का बोले तो हाँ एक नहीं हमें दो दो आईफोन खरीदे हैं तो आप मन दिखावो आगे आप मन ब्लॉग में बने रहो और एक जगह हमें और जाना है जमारा के कार्यक्रम में। अच्छा चल बता पाटन में जाथन मोर बहन के यहाँ जवारा बुआ है था ना अब ये चार तो यहीं बज गए मतलब पहुँचा ले इतना बजे पता नहीं 6 बजे ही लगते और फोन ला पकड़ फोन के इतना दिन से इंतजार रही शेखर 1-1.5 महीना से पीछे पड़े रहे हमारा कब मिली करके इंतजार करते रहे लेकिन फाइनली आज मिली वो भी जो एक्चुअल प्राइस हमें नहीं मिले है हमन कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे के ही खरीदे हैं काबर की अभी तो स्टॉक ही नहीं है। आप मन भी जाना हो अगर आईफोन खरीदने वाला हो आपके फैमिली को या फिर आप मन भी खरीदत हो अभी जो 16 प्रो मैक्स है वो खैर बारे में बोलते हैं। चलो फिर गाड़ी में बैठे बाकी मोबाइल तो बहुत अच्छा लगा था अभी हम आए हैं गुपचुप खैबर पाटन जात जात रायपुर में ही मतलब 5 बज गए अब वहाँ पहुँचत ले पता नहीं क्या बजे मोबाइल खरीदत ले अतका टाइम हो गए। ये लड़की क्या खा रही है बालू खाए तो संगवारी हो अभी हम आए हैं रूपेश देवांगन भैया के यहाँ दुकान में आहान मिले बार तो चलो मिलवाता हूँ आप मन ला और मिलो आप मन भी। नमस्ते सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को मैं भी एक यूट्यूबर हूँ इन्हीं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े यूट्यूबर है नहीं भैया बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है काम आदमी का बड़ा सब बराबर होते हैं देखो सबके सब आहान विद फैमिली। अगर छत्तीसगढ़िया भाई मना मोला नहीं जा स्वीकार की मैं छत्तीसगढ़ी ब्लॉग नहीं बनाऊं ब्लॉग नहीं बनाओ ज्यादा फेमस है मोरो नाम चुक चैनल है ब्लाउज मास्टर रूपेश कुमार देवांगन के नाम से और राजा भैया जी से मैं ब्लाउज के क्या बोलते हैं कटिंग और स्टिचिंग बताता हूँ एकाल हम मोरो जहाँ चैनल में आ जाऊँ विजिट कर लूँ समझ आई तो फिर लाइक कर दूँ और लेकिन बहुत अच्छा लगी से अगर आप एमन भैया मन ऐसे मिल के भी और सबसे बड़ी बात यह है कि अतका बड़े हमारे छत्तीसगढ़ के नाम लेवे इतना ज्यादा ऊपर उठाई से कि सचमुच में आप बहुत बड़े सब्सक्राइबर भी गेन कर रहे हैं 15-18 लाख सब्सक्राइबर आपने 16 लाख सब्सक्राइबर गेन करना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है और खासतौर से एक टेलरिंग के फील्ड में और क्या बोलते हैं जो भी रहा इस काम ला वाला देश भर में पहचान ले तो कल मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राजा भाई ला बहुत बहुत धन्यवाद सब एक समय था जब आपसे फोन पे बात करने के लिए हम तरसते थे समय समय की बात है हमसे भी बड़े बड़े लोग आ गए हैं और समय का चक्र एक्चुअल में ना जब मैं यूट्यूब चालू किया उस टाइम मेरे को आपके बारे में जानकारी नहीं था जब चालू कर लिया उसके ना कुछ दिन बाद जब मैं अपनी वीडियो डालने लगा तो फिर मैं खुद देखा अपनी वीडियो को तो सजेशन में आपकी वीडियो आते जी जी तब मैं देखा ये कौन है तब मेरे को पता लगा कि हाँ आप छत्तीसगढ़ से हो पाटन से हो ऐसे करके कहीं से नंबर निकाल के फिर आपको कॉल अभी अभी थमी मल्ला जानी छत्तीसगढ़ के हर की के जनता मन नहीं जाना तेरी समझ में शायद हम लोग ना इसके इस फील्ड में से तो बहुत लोग आज के समय बहुत यूट्यूबर हैं इंस्टाग्राम में बहुत लोग रहते और हमारे यहाँ बहुत पहली शुरुआत में 7 साल पहले जब आदमी मन करना शुरू किया 17 से तो बहुत अच्छा भी लगते फील्ड में सबसे बड़ी बात होती है कि इधर से व्यापक पहचान भी बन जाता है अपन कलर दिखा भी मौका मिलता है। मजेदार बात यह है कि हमन दोनों जन एक ही जाति के रूपेश देवांगन भैया हमन भी देवांगन सगे भाई है क्या हाँ पूछते हमन लभी वैसे अभी भी पूछते कैसे हमन सगा भाई है सगाती भाई है बट उसका मजा अलग अलग रहता है ऐसा करके बताता था उसको हाँ, बहुत जन पूछे दिलीप वाले तिलर वाले कौन है राजा के नाम से भी नहीं जानता था बाद में पापा के नाम
मेरे आज भी नहीं जानते, हाथ भी नहीं जानते पापा के नाम। ये बात अच्छी बात है, जो भी उसमें पहचान बनेगा उसी के नाम से जानेंगे, पब्लिक थोड़ी जानेगा। चलो अच्छा लगा। तो देखो भैया के दुकान, हमारा छोटा सा स्टूडियो भी, स्टूडियो भी है और दुकान भी, बड़े पापा भी आए साथ में। तो अपन भी मिलो रुपेश देवांगन जी के भाई के साथ, और मैनेजर जी भी है और असिस्टेंट जी भी है ना। तो बहुत अच्छा लगी आप मन से मिलके। अब आप मन आना हमारे यहाँ, ठीक है। आज ना पिंक डे, येलो डे, वहाँ भी ना अधिकतर पिंक पिंक ही पहनते वजह से येलो साड़ी। भाई हम दोनों में जाता, हम दोनों सब लेके पीला मना पसंद है, वीडियो बनाने दोनों बंद रही से गल संगवारी हो, मैं अभी आ हूँ अपन दीदी के यहाँ, और जहाँ जमारा हुआ है ना वहाँ आ हूँ दीदी के चाचा ससुर यहाँ। तो चलो मिलवाता हूँ अपन मोर बहन मन से, है ना, और भाभी मन से। तो यहाँ पर आप मन कमेंट करके बताना कि यहाँ से मोर बहन कौन हरे, ठीक है, काबर की आप मन एक बार देख भी चुके हो। तो यहाँ पर सब जन रोटी बनावा थे, ये दे मोर भाभी देख ले, मोर भौजी ला, कैसे भौजी 15 साल हो गए तो रोटी बना ली है भाई, और भैया कह रहा कि वापस कर दे कीजिए। दूसरा भाभी ला वो रोटी बना के बोल रहा है बहुत ही ज्यादा। हां केकड़ी लानी तो कौन बोल बना, रोटी रोटी गोल नहीं बने, कहां के मैं गोल मटोल हूं कि नहीं, कहां से आ ये दे मोर बहन संगवारी हो। हाय। और ये चाची सास है दीदी के, एक गुड़िया, क्या नाम है बेटा, देवन देवरानी हरे दीदी से, यूमन मोर बहन हरे, ए दीदी सगे देवरानी है। और इतना बहु एक झन दीदी रोटी बनावा थे, ए दे दीदी रोटी गरम गरम बना थे, एकदम खुशबू आ थे, वीडियो बना था चला। ए दे भाभी की माँ, मोर माँ जो हाँ मम्मी जो दे सोनू दीदी, दीदी के ननंद हरे। आयो मत से ना अपन कौन कौन ला जानता ना तेरे कमेंट में बताऊं, ठीक है। पाटन में आहन हमन अभी रोटी बनावा थे, मतलब ये दे छोटी सी गुड़िया, क्या नाम है बेटा आपका, एकदम क्यूट दिखे, फेसबुक में फोटो वगैरह डालते ना अपने, देखो मेरी भांजी है, मामी को पकड़ दो, मामी को पकड़ दो, इधर आ आज ये मन भी एकदम अच्छा से डांस मस्त करते है मन। ए दे मोर गुड़िया रानी, तू भी बना रही है क्या बेटा, अरे रिया को रोटी बना, मामी को सिखा रही है क्या बाबू, रोटी बनाना सिखा रही है ना रिया, मामी को रोटी बनाना सिखा रही है, तुम्हारे मन के किस्मत इतना अच्छा दीदी, आज से नया मोबाइल लेवा है हम, तुम्हारे मन के साथ से फर्स्ट वीडियो बना थे। तो संगवारी हो, अभी हम आ हैं लता चाची के यहाँ, दीदी चाची सास के यहाँ, और एक छोटी सी गुड़िया नित्या है ना, और भी है गुड़िया मन है मिला वापन भी, और ये सोनू दीदी हरे आप मन समदीन हरे मोर, लेकिन बड़े हरे थे मैं दीदी को बोल रहा था, और वो मोर समदीन हरे मोनिका दीदी, इधर चाची ए बेटू हटो 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 हटो, चाची दीदी चाची सास भाभी मन सब कोई बैठे पर ना, और बच्चा मन इतना मस्ती करा थे, फुल एंजॉय करा थे, कोई छोटी सी प्रॉली सी नन्नी सी खुशी बिटिया, मेरा नाम खुशी, हेलो हेलो करो, हेलो हेलो
क्या नाम है आपका? नाम बताओ। खुशी। खुशी क्या नाम है? खुशी। तो हमन पहुंच गए जमारा वाले घर में। भाले परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है कि लिखा है काबर की दीदी मन हरे तो देवांगन लेकिन गोत्र लिखते वहाँ जितना भी पाटन के है ना वह सब गोत्र ही लिखते हैं। वो लगभग मैं 7-8 साल बाद गए हूँ संगवारी हो तो सबो जन से मिल के मोल इतना खुशी हुई से चाची मन से मम्मी मन से दीदी देवरानी मन से सबो जन इतना अच्छा है एकदम मस्त लगी से मम्मी पापा मन भी बोला थे इसकी बहुत अच्छा लगी इस पाटन में इसे घर के। तो यहाँ पर बैठे पापा जी मन तीनों जन मोर बड़े पापा और दीदी ससुर और हमारे यहाँ पापा। तो हमन इधर खात रहे खाना पीना खा के उठ गए रहे हमन हाँ और दीदी मन खात रही सोखर मन के वेट करत रहन और वेट करत करत हमन 10 तो बजे के रही से हाँ निकलत ले उसके बाद घर पहुँचत ले 12 बज के रही से। तो यहाँ पे सब कोई खाना वाना परोसा थे और हमन गए रहे संगवारी हो सप्तमी पड़े रही सो दिन। तो जमारा में ऐसे होते ना कि 8-9 दिन के कार्यक्रम थे 10 दिन के तो एक दिन जिन दिन समय मिलते वो दिन आ जाते तो मेहमान ना दिखा नहीं हो एक दिन के कार्यक्रम भी थे ना तो बहुत भरे भरे लगते घर आ। तो कर बाद हमन घर वापसी हो गए ना वो आप मन ये मत सोचो कि अंकल जी सिलाई कटिंग के वीडियो नहीं डालत की के तो आ ही संगवारी हो आप मन वेट करो अभी थोड़ा से बिजी चला थी सब मोबाइल भी खराब हो गई थी ना तेकर वजह से हमन नया मोबाइल खरीदे हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स और आईफोन 16। तो संगवारी हो अभी हमन निकला था पाटन से और रात के वही 10:15 बजे थे अभी पहुँचा था मतलब पता नहीं 2 घंटा लगी कि 2.5 घंटा लगी अब पहुँच ले बता मिलबो आप मन से और बहुत अच्छा लगी से बहुत दिन बाद आऊँ वैसे मैं 10 साल बाद आए हूँ शायद और मम्मी पापा हुए पापा रिया के रिया मन तो पहली बार ऐसे कैसा लगा बाबू? अच्छा मजा आया? अच्छा लगा ना रे बाबू बताओ रात हो गई ना सब जन एकदम सुस्त हो गए हमें अब घर जाग सीधा सोना है ए तो चलो घर पहुँच के मिल जाऊ आप तो अभी हम घर आ चुके हैं रात के बजे थे 12:30 है ना तो चाय पी के सोबो काबर की थकावट आज बहुत ज़्यादा हो गई दिन भर रहती तेती हटर हटर हो गए तेखर वजह से अभी चाय बना थे संगवारी हो और बाकी सब जन अपन अपन कपड़ा चेंज कर रहे थे रिया बाबू सो गए है और पति देव कर रहे थे नया मोबाइल के सेटिंग संगवारी हो चाय वगैरह पी डाले हम रात के 1 बजे थे और नींद आते काफ़ी ज़्यादा काबर की एकदम ज़्यादा थक गए है ना मना। तो ये वाले वीडियो पसंद आए हुई तो लाइक कर दे कमेंट करके बताऊँ और चैनल में नवा है तो सब्सक्राइब कर दे जय माता दी जरूर से लिखूँ संगवारी हो कमेंट में काबर की माता रानी के वीडियो हरे जमारा के तो मिलता नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बेटे किया जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ गुड नाइट।